30 साल पॉलिटिकल कैरियर में मुख्तलिफ हुकूमतें हर दौर में ये कहती तो ज़रूर रही है कि हम एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देंगे, एग्रीकल्चर हमारी तरजीहात का हिस्सा है, लेकिन अमली तौर पे काम नहीं होता था। बल्कि हर दौर में एग्रीकल्चर कमेटियां बनती रहीं, उन एग्रीकल्चर कमेटियों को में इत्तफाक से अक्सर में मैं उनका मेंबर रहा हूं, और उन एग्रीकल्चर कमेटियों में जो रिपोर्टें बनती थीं वो रिपोर्टें बन के फिर कहीं अलमारियों में दफन कर दी जाती थीं, उन पे अमल दरामद कभी नहीं हुआ था। ये पहला मौका है कि वज़ीर आज़म साहब आपने एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया और आपके हुक्म के मुताबिक आपके सिपाहियों ने इस आपकी ख्वाहिश के मुताबिक दिन रात मेहनत करके ये किसान कार्ड का आज 2 महीने के अंदर इजरा को मुमकिन किया है। जनाबे वाला, इस किसान कार्ड के जरिए आपका किसान पंजाब के 30,000 पॉइंट्स पे जाके सिर्फ बायोमीट्रिक करा के अपना डिजिटल अकाउंट खोल सकता है, और उस डिजिटल अकाउंट के जरिए वो न सिर्फ ज़राई कर्जा ले सकता है बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज दी जा रही हैं उनसे भी फ़ायदा उठा सकता है। जनाबे वाला, अफ्रीका में एक बैंक ने खाद की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक कार्ड का इजरा किया था, और उस इजरा की वजह से कहा जाता है कि अफ्रीका में खाद के निज़ाम से करप्शन ख़त्म कर दी गई, और यही वजह थी कि उस बैंक के प्रेसिडेंट को मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया। और आज जिस तरह वो सिर्फ एक खाद के लिए कार्ड था, लेकिन आप आज जिस कार्ड को दे रहे हैं वो 5 चीज़ें इस वक्त कैटर कर रहा है। उसके ज़रिए खाद भी किसान हासिल कर सकेगा, उसके ज़रिए बीज भी हासिल कर सकेगा, उसके ज़रिए कीड़े मार अद्वियात भी हासिल कर सकेगा। जनाबे वाला, इनपुट के अलावा जब कभी कोई कैजुअल्टी हो जाएगी, कोई क्लेमिटी आ जाएगी, नेशनल क्लेमिटी आए, तो उस नेशनल क्लेमिटी में इंश्योरेंस की रकम भी इसी कार्ड के ज़रिए किसान को अदा कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज के मुख्तलिफ प्रोग्राम लॉन्च किए जा हुए हैं, वो सब्सिडीज भी इसी किसान के ज़रिए डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ इस किसान तक पहुंचा दी जाएंगी, जिसमें किसी किस्म का पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं होगा, और एक ही डिजिटल ट्रांजैक्शन के ज़रिए ये काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। मैं मेरी टीम ने इस किसान कार्ड के लिए दिन रात मेहनत की है, और मैं ये चाहूँगा कि आप की तरफ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को शाबाश दी जाए। और इसके साथ साथ जिन इदारों ने इस कार्ड की को इस शक्ल तक लाने में हुकूमत पंजाब और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का साथ दिया है, मैं की गुजारिश है कि जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जनाब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब, उन इदारों को भी शाबाश दें और अप्रिशिएट करें जिस तरह उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिल के ये इस किसान को एक अमली शक्ल दी है। और उन इदारों में मैं नाम लेना चाहूँगा हबीब बैंक का, पंजाब आईटी बोर्ड का, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का, और नाजरा का।
और इन इदारों को वजीर आजम साहब और वजीर आला साहब से दरख्वास्त है कि वो शाबाश दें। जनाबे वाला, जब आपने ये एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी तो उस वक्त कुछ अर्से बाद गंदम की बिजाई का सीज़न शुरू होने वाला था और मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों से कह के इन लोगों की से मेहनत कराई है और आज मैं खुशी से ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब की गंदम की पैदावार का रिकॉर्ड जो है माजी का वो 20.4 मिलियन टन है और आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल से हम इस 20.4 मिलियन टन की रिकॉर्ड पैदावार के हदफ को इंशाल्लाह ताला क्रॉस करेंगे।